प्रहलाद गुंजल पर जिस रोज मदेरना की तरह हत्या और बलात्कार के चार्ज लग जाएंगे, बाबूलाल नागर की तरह बलात्कार के चार्ज लग जाएंगे, रामलाल जाट की तरह काम के बदले अस्मत मांगने के कांग्रेसियों की तरह चार्ज लग जाएंगे, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेगा। प्रहलाद गुंजल पर कोई बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोप जिस रोज लग जाएंगे, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेगा। पब्लिक के लिए लड़ता हूँ, कार्यकर्ता के लिए लड़ता हूँ, और मेरी कोई विरासत नहीं है कोई, मैं कोई रॉयल फैमिली से या कोई मेरे एमपी एमएलए परिवार में से उसको लेके आया हूँ। आम आदमी की आवाज बनकर जिया हूँ। मैंने इस राजस्थान में एक संघर्ष का इतिहास खड़ा किया है और एक छोटी सी घटना पर पूरा हिंदुस्तान एक इशू बनाकर पूरा मीडिया प्रहलाद गुंजल गुंडा है। मैं समझता हूँ अब डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। प्रहलाद गुंजल अगर कोई बोला है भाव है कोई गलत शब्द, लेमन के लिए बोला, आम आदमी के लिए। मैंने कोई बेईमानी भ्रष्टाचार और गलत काम करने के लिए नहीं बोला। और जिस रोज आम आदमी की आवाज मर जाएगी, लोकतंत्र है किसके लिए? गेट लगा छोड़ो, ह्यूमिलेशन में जीने के लिए और आम आदमी की उपेक्षा को आंखों से देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे। जो दिल्ली के तख्त पर बैठकर कॉर्पोरेट सिस्टम के लोग जो राजनीति करते हैं ना, उन्हें नीचे जमीन की धरातल की वस्तु स्थिति पता नहीं होती कि आम आदमी कितनी पीड़ा भुगतता है और उसके लिए जनप्रतिनिधि को किस स्तर तक जाना पड़ता है। इसलिए इस डिबेट में जो कुछ भी लोग गुंडाइज्म जैसी बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ देश की कल्चर संस्कृति और हकीकत से उनका रिश्ता ही नहीं था, कोई तालुकात ही नहीं थे। ये जो ब्यूरोक्रेसी के अत्याचार की जो आप आम आदमी पे बात कर रहे हैं, इस पे आप कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? ब्यूरोक्रेसी किसी को सुनती है? और सच पूछो तो आज हिंदुस्तान के स्टेट में 80% मंत्री ब्यूरोक्रेसी के सामने ह्यूमिलेशन में जीते हैं। आखिर जनता की आवाज लोकतंत्र में प्रायोरिटी पे नहीं आएगी तो ये व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी साइकिल रिक्शे और तांगे की तरह। प्रहलाद गुंजल जमीन का व्यक्ति है और आम आदमी की आवाज बनकर 2 बार एमएलए बना है। ठीक है, मैंने कह दिया कोई भावावेश में एक कार्यकर्ता का ह्यूमिलेशन हो गया उस पर, तो मैंने शब्द मेरे गलत हो सकते हैं, खेद व्यक्त कर लिया। लेकिन ये इतना बड़ा नेशनल इशू नहीं है। मदेरना की तरह बलात्कार करके हत्या नहीं की हमने, कोई हम ए राजा और उसकी तरह भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं, हम पर चार्जेज नहीं लगे। सार्वजनिक जीवन को जो ईमानदारी से जीता है ना, वो उसमें आत्मसम्मान होता है, उसमें बोलने की ताकत होती है। जो बेईमानी जीते हैं ना, वो नहीं बोलते आम आदमी के लिए। आप कल मुख्यमंत्री से मिलने कोई सोचना है? ना, अभी मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। जयपुर जा रहा जयपुर नहीं जा रहा हूँ।